आखिर बिहार में ऐसा क्या हुआ जो सेंट्रल बैंक का एटीएम मशीन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। जिनके भी पास सेंट्रल बैंक में खाता होंगे, अगर उनके पास एटीएम कार्ड होंगे, तो आप देखिएगा कि सेंट्रल बैंक से बहुत सारे लोग जो है से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, और पैसा निकालने के लिए या तो SBI या तो प्राइवेट ATM से यूज करते हैं। आखिर क्या कारण है जो सरकार सेंट्रल बैंक ATM मशीन को लगातार जो है से बंद कर रहा है? जो ATM मशीन एक बार बंद हो जाता है उसको दोबारा या तो रिपेयरिंग कराते हैं, नहीं उसको नया बनवाते हैं, सीधा उसको जो है से बंद करके और वहां से जो है से ATM मशीन भी हटवा देते हैं। आखिर कुछ तो कारण होगा। दोस्त मैं बता देता हूँ, मेरा भी खाता जो है सेंट्रल बैंक में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, लेकिन उनको ATM चालू करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कहीं कहीं पर ATM मशीन जो बचा हुआ है वही ATM यूज होता है। आखिर क्या कारण है जो सरकार धीरे धीरे सेंट्रल बैंक ATM को हटा रहा है? कुछ तो कारण होगा। आखिर क्या कारण था जो ATM मशीन जो बंद हो जाता है उसको दोबारा जो है से फिर से रिपेयर नहीं कराया जाता है और न ही जो है से नया लगाया जाता है? कुछ तो कारण होगा दोस्त। इस विषय में मैं आपको जो है से फुल्ली जानकारी देने वाला हूँ। आखिर क्या कारण था जो सेंट्रल बैंक ATM मशीन जो है लगातार जो है से बंद हो रहा है? एक बार जो बंद हो जाता है वह पुनः फिर चालू नहीं होता। ये सब जानने के लिए हम जो है से सेंट्रल बैंक के मैनेजर के पास गए बैंक में और उनसे पूछे आखिर ऐसा क्या कारण है जो सेंट्रल बैंक का ATM से हम खुद का ATM से हम खुद के बैंक से हम पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, किसी और बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है। ऐसा क्या कारण है जो सरकार इसको बंद कर रहा है? तो बैंक मैनेजर जो हमको बताए हैं वही चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उन्होंने हमको समझाया कि बिहार में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण अब सर्वर इतना ज्यादा डाउन चल रहा था कि कंप्लेन जो है से इतना ज्यादा आ रहा था कि सेंट्रल बैंक का जो ATM मशीन था उसको जो है से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हर एक रोज जो है से एक ATM मशीन से 10 से 20 ट्रांजेक्शन जो है से लगातार फंस जाते थे और इसका कंप्लेंट इतना ज्यादा आने लगा कि बैंक मैनेजर जो है सही से काम नहीं कर पा रहे थे। और जो है प्राइवेट कंपनी का जितने भी बैंक होते हैं उनका ATM मशीन जो है से लगाना शुरू हो गया। आपने देखे होंगे कि ज्यादातर जो है से इंडियन ATM जो है से लगना स्टार्ट हो गया है, एक्सिस बैंक का ATM लगना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद जो SBI का जो भी नया तो लगता नहीं है, जो पुराना था वही जो है से यूज हो रहा है। बाकी सेंट्रल बैंक का ATM एक बार जब खराब हो जाता है तो दोबारा उसको जो है से ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको बनाने में इतना ज्यादा खर्च पड़ता था, उसका कोई भी चीज जो है सॉफ्टवेयर था बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन जो प्राइवेट ATM था वो हर चीज जो है सस्ता में मिल जाता है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि सेंट्रल बैंक ATM को हटा दिया और उसके जगह पर जो है से प्राइवेट ATM जो है से लगा दिया। लेकिन इससे जो है दोस्त आम आदमी को बहुत ज्यादा जो है से लॉस होता है। सेंट्रल बैंक से जब भी हम लोग पैसा निकालते थे तो वहां पर जो है से चार्ज बहुत कम 22-23 रुपया लगता था, जैसे हम लोग को पैसा बहुत कम लगता था। लेकिन वही जगह पर नया जो ATM प्राइवेट आया है उसमें अगर हम दूसरा बैंक से दूसरा बैंक का ATM यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चार्ज जो है से कट जाता है। महीना में 3 ही बार जो है हमको फ्री दिया गया है, चौथा ट्रांजेक्शन करिएगा तो आपके खाते से जो है से अच्छा खासा पैसा जो है से कट जाता है। और बेनिफिट किसको हो रहा है तो प्राइवेट ATM वाले को हो रहा है और सरकार को भी इसमें कहीं ना कहीं लॉस था। आप लोग के मन में एक सवाल और होगा, क्या दोबारा फिर से सेंट्रल बैंक का ATM मशीन लगेगा या नहीं लगेगा? मैं दोस्त मैं बता देता हूँ कि अब दोबारा सेंट्रल बैंक का ATM मशीन जो है से नहीं लगने वाला है, क्योंकि आज के डेट में जो है से प्राइवेट ATM मशीन जो है से दुनिया में राज कर रहा है। आप देखे होंगे कहीं भी जाइएगा तो सरकारी चीज को हटाया जाता है और प्राइवेट चीज को जो है से लाया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आम जनता को। लेकिन आम जनता तो भोला वाला है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जब भी कोई आवाज उठाते हैं तो हम लोग का आवाज को जो है से दबा दिया जाता है। अब दोबारा जो है से न्यू ATM सेंट्रल बैंक का आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, जो कहीं कहीं बचा हुआ है वही यूज हो रहा है। मैं दोस्त बता देता हूँ, मैं वैशाली जिला के रहने वाला हूँ और मेरे जिला में एक भी ATM मशीन सेंट्रल बैंक का नहीं है। हम लोग का जब भी कुछ काम करना पड़ता है या कोई नया खाता खुलवाते हैं तो उनको ATM चालू करने के लिए हमको दूसरे जिला में जाना पड़ता है, या कभी समस्तीपुर में जाते हैं तो कभी जो है से पटना जिला में, तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में जाते हैं तो वही ATM पिन जो है से बना पाते हैं। तो उसमें बता देता हूँ, जहाँ तक मेरे पास जानकारी था बस जानकारी यही था कि सर्वर डाउन होने के कारण और प्लस में सेंट्रल बैंक ATM में जो है से बहुत ज्यादा खर्च आता था, इसलिए सरकार इसको जो है से धीरे धीरे लुप्त कर रहा है और उसके जगह पर जो है से हाई सिक्योरिटी का यानी कि प्राइवेट जो ATM था उसको जो है से पुनः लगाया जाता है।
और आने वाला समय में दोस्त जितने भी सरकारी एटीएम है वो सब के सब हट जाएंगे। उसके बाद में इसकी और बता देता हूँ दोस्त, आने वाला टाइम में जितने भी सरकारी बैंक है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे और सीधा सब चीज जो है से प्राइवेट हो जाएगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा राय विचार आपको कैसा लगा, क्या वाकई में सही या गलत है, सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना राय बताइएगा और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट का जरूर नाम बताइएगा कि आपके जिला में अभी तक कितना जो है से एटीएम बचा हुआ है मशीन और कितना मशीन जो है से लॉस्ट हो गया है। दूसरे से ये होगा कि कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि अभी जो है से बिहार में कुल कितने एटीएम बचा हुआ है, कुल एटीएम कितना खराब हो गया है, क्योंकि हम घर घर जाकर तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग के माध्यम से इतना जरूर पता चल जाएगा कि कौन जिला में कितना एटीएम बचा हुआ है और कौन जिला में कितना एटीएम जो है खराब हो गया। दोस्त मैं अपना ही बता देता हूँ, मेरे जिला में एक भी एटीएम मशीन नहीं है और मेरा जिला का नाम वैशाली जिला है। इसमें जो भी एटीएम था जो खराब हो गया है अब दोबारा जो है अभी तक नहीं बना है और शायद अभी तक बनवो नहीं करेगा। तो आप लोग भी अपना अपना जो है राय विचार इस कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो दोस्त जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपके इधर एटीएम मशीन का क्या हाल है और कितना परेशानी होता है एटीएम चालू करवाने में, एटीएम पिन बनवाने में, एटीएम से पैसा विड्रॉ करने में, सारा चीज आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइए, तभी हमको पता चलेगा कि आखिर बिहार का जो स्थिति क्या है। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद में सभी वीडियो में को जोड़ के एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम दर्शा देंगे कि बिहार में अभी तक कुल कितने एटीएम मशीन जो है से बचे हुए हैं या बचे हुए नहीं है। अगर उम्मीद करता हूं कि अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज कुछ ना कुछ जो है नया नया चीज सीखने को मिलता है, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में सेंट्रल बैंक एटीएम का क्या हाल है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।